चलिए आज शुरू करते हैं। एंड्रॉइड क्या है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड्रॉइड आज तो काफ़ी पॉपुलर हो गया है, लेकिन ये आज से नहीं, ये शुरू हुआ था 2003 में। इसका तीन लोग मिलके एंड्रॉइड के ऊपर काम कर रहा था। उन लोगों का बेसिक ऐसा नहीं था कि वो लोग एंड्रॉइड का कुछ एप्लीकेशन बनाए जो मोबाइल के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं था। वो लोग एक कैमरा के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहते थे, और वो जो तीन लोग हैं उसका नाम है पाल अल्टो, दो है एंडी रबिन, और तीन लोग का नाम है रिच माइनर। लेकिन बीच में क्या हुआ, उन लोगों का कुछ पैसे का दिक्कत हुआ तो वो लोग बड़ा फंस गया। तो वो लोग सोचा कि क्या करे क्या करे, तब जाके गूगल ने उन लोगों से बात किया और एंड्रॉयड को 17 अगस्त 2005 में लैरी पेज एंड्रॉयड को खरीद लिया। लैरी पेज आपको पता ही है, गूगल का सीईओ था सुंदर पिचाई जी, जो अभी है उससे पहले। फिर वो लोग ये जो उन लोगों का जो पहले का जो लोग था जो उनको डेवलप कर रहा था उसको लेके ही काम कर रहा था। उन लोगों को बाद नहीं दिया, उन लोगों को रखा टीम में। फिर गूगल अपनी तरफ से एंड्रॉयड के ऊपर काम करना शुरू किया। तब उन लोगों को पता चला कि ये तो काफ़ी अच्छा हो गया, इसको कैमरा में फिर क्यों यूज़ किया जाए, इसको मोबाइल फ़ोन में डाला जाए। और कुछ दिन से ही गूगल प्लान कर रहा था कि वो क्रोम जो ओएस है ना उसको देके मोबाइल का इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। 22 अगस्त 2008 में वो लोग पहला एंड्रॉयड फ़ोन लाया। वो जो एंड्रॉयड फ़ोन था उसको बनाया था HTC, और उसका नाम है HTC ड्रीम। वो पहला एंड्रॉयड का फ़ोन है जो मार्केट में आया था। उसके बाद ये तीनों लोग जो फाउंडर था, ये तीनों लोग चला रहा था एंड्रॉयड का डिपार्टमेंट को। उसके बाद ये तीनों में से एक को दूसरा प्रोजेक्ट में भेज दिया गया, और सुंदर पिचाई का इसमें पूरा फुल्ली वो आ गया सुंदर पिचाई। फिर एंड्रॉयड का गोल्डन टाइम चालू हुआ। इसके बाद एक के बाद एक भारत से वो निकालता गया और वो काफ़ी सक्सेस भी रहे। 2008 में किटकैट जो वर्जन था वो तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद 2010 में गूगल ने अपना नेक्सस लॉन्च कर दिया, वो भी HTC के साथ। ये दोनों मिलके बनाया था। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया। मैं आगे भी ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और भी वीडियो लाया करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।